हेलो गाइस, आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आया हूँ। एग्जीक्यूटिव का गुड न्यूज़ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है छात्रों के लिए। तो वैसे नोटिस 16 अक्टूबर तो था 20 का, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया तो इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सर्कुलर है, अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष की छात्र सत्र 2019-20 के अंतिम वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों को के 18वें दीक्षांत समारोह के समय 16 विषय ग्रुपों की मेरिट में सर्वोच्च स्थान पाने वाले, यानी इसमें जो 16 विषय यानी 16 ब्रांच है उसका मेरिट लिस्ट बनाया गया है, जिसमें ज़्यादा CGPA छात्रों का है। उसमें 3 विषय में जो छात्र होंगे, यानी हर विषय के 3 छात्रों को, आप समझ सकते 16 जैसे विषय है आपका, तो उसमें से 16 3 48 छात्रों को स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। यानी आपको स्वर्ण रजत कांस्य पदक आपको मिल सकता है। क्या है उसकी कंडीशन, ये सब 2019-20 के अंतिम वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रमों के ग्रुप वार शीर्ष 10 स्थान, यानी हर ग्रुप में 10 स्थान पाने वाले छात्रों की सूची संलग्न है। यानी 10 स्टूडेंट की जो है जिनका मेरिट वाइज सबसे ज़्यादा, उसके बाद उसके कम यानी 10 छात्रों को हर विषय में उसमें सूची दी गई है। अवगत हो कि वर्ष 2016 में CBCS प्रणाली में 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों का परीक्षाफल CGPA के आधार पर घोषित किया गया है। जारी मेरिट में समान CGPA प्राप्त वाले छात्रों में से सक्षम स्तर से अनुमोदित जारी प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम वर्ष में ज़्यादा CGPA प्राप्त करने वाले छात्रों को मेरिट सूची में प्रक्रिया, नहीं अगर फाइनल में आपका ज़्यादा CGPA है और आपका नंबर बराबर हो जाता है तो फाइनल में जिसका ज़्यादा CGPA रहेगा उसी को वरीयता दी जाएगी, उसी को पहले सिलेक्ट किया जाएगा। उक्त मेरिट सूची में कोई विसंगति की अवस्था में अनुरोध है कि ईमेल द्वारा COE office@aktu.ac.in पर मेल करना है। आपको दिनांक 25 अक्टूबर 2020 से पहले यानी 25 अक्टूबर तक सूचित कराना है, मेल करना है, और उक्त तिथि के बाद ये मान लिया जाएगा कि सूची में कोई विसंगत नहीं है। यानी आपको ये जो लिस्ट इसमें दिखाई गई, मैं आपको अभी लिस्ट दिखा दूंगा, उस लिस्ट में अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आपको COE office@aktu.ac.in पर मेल करना है 25 अक्टूबर 2020 से पहले, ताकि उसमें सुधार किया जाए अगर आपको कोई आपको मिस्टेक लगती है। और मैं आपको बता दूँ, जिसमें 16 विषय में जो 10 स्थान पाने वाले स्टूडेंट हर विषय के हिसाब से उनको इसमें लिस्ट इसकी बनाई गई है, और इसमें से 3 छात्रों को रजत स्वर्ण कांस्य पदक प्रदान किया जाएगा। तो उसकी लिस्ट क्या, चलिए हम लिस्ट की बात करते हैं। आप यहां से देख सकते हैं लिस्ट, आपको बताऊंगा मैं ब्रांच वाइज कॉलेज वाइज, आप ये देख सकते हैं इसमें ग्रुप वाइज मेरिट लिस्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2019-20। उसके बाद यहां से आपको ब्रांच मिल जाएगी, और ब्रांच के बाद फिर यहाँ से आपको अपना उसका स्टूडेंट का नेम मिल जाएगा, और स्टूडेंट नेम बस उनका सनाफ मिल जाएगा, यानी उनके जो पापा का नाम है यानी पिताजी का नाम। ये देखिए ब्रांच है और ये कोड है, और फिर ये उनका रोल नंबर भी मिल जाएगा, और यहाँ से उनका नाम मिल जाएगा। जैसे अगर सिविल इंजीनियर, मैं कुछ स्टूडेंट का नाम बता देता हूँ, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, जिनका रोल नंबर है लास्ट में 115 यानी 115, और विशाल नेवला, दीपेंद्र कुमार दीक्षित, फैजान अहमद, उत्कर्ष सिंह, अर्चना मौर्या, विशाल कनौजिया, सागर गुप्ता, अक्षय सागर, सूरज गुप्ता, अनामिका सिंह, यानी ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। उसी तरह के सारे ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिस्ट है, आप यहाँ से अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, आप PDF मुझसे कमेंट करके मांग सकते हैं कि आपका नाम उसमें है कि नहीं, तो आप अपना नाम ज़रूर चेक करिए, क्या पता आपको स्वर्ण रास या फिर जो है कांस्य पदक आपको मिल जाए, और आपको AKTU जो है तो आपको उसमें लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो यह थी आज का सर्कुलर। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।